बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम मीन अयन के बारे में जानेंगे कि मीन अयन में जन्मे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा तथा भाग्योदय वर्ष कब होगा। लेकिन दोस्तों इसे जानने से पहले आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार ज़रूर विजिट करें। दोस्तों आप गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाएं, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, या दूसरे शब्दों में कहूं, तो ज्योतिष की दुनिया की लगभग सब कुछ वहां है। अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। मित्रों अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्त रेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मीन अयन के बारे में कि इस अयन में जन्मे जातक का व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, उनका व्यवहार कैसा होगा और भाग्योदय वर्ष कब होगा। दोस्तों यदि आपका जन्म मीन अयन में हुआ है तो आपकी राशि मीन है, अर्थात आप मीन राशि के जातक हैं। अतः आप शांत, गंभीर, क्षमाशील, परोपकारी, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ, विशाल हृदय वाले व कोमल मन वाले होंगे। आप एकांत प्रेमी भी होंगे, अतः आप चीज़ों को आत्मसात करते हैं, जिसके कारण ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा सही निर्णय लेने में ही तथा सही सलाह देने में आप सक्षम होते हैं। आप मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी गहन प्यार करते हैं। दोस्तों आपका व्यक्तित्व सदैव समाज में सम्माननीय एवं वंदनीय रहेगा। परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी सुख देना, उनकी पीड़ाएं धैर्यपूर्वक सुनाना तथा उनकी सहायता करना, कोई आपसे सीखकर अनुकरण करे तो यह समाज स्वर्ग तुल्य हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी गुणवत्ताएं आप में विद्यमान हैं। जो आपसे ये शिक्षाएं लोग ग्रहण करके सीख करके धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। दोस्तों आप साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, विज्ञान, योग विज्ञान, तत्व विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी बन सकते हैं, क्योंकि आप में असंभव को संभव करने की शक्ति जन्मजात है। दोस्तों आप में एक अवगुण है कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं किंतु उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाते तथा आप किसी के अधीन नहीं रह सकते और भविष्य की चिंता में चिंतातूर रहते हैं, जिससे आप पिछड़ जाते हैं। आप अच्छे समालोचक भी हैं किंतु स्वयं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों आपके धन का दुरुपयोग आप स्वयं सट्टे, लॉटरी, शेयर व्यवसाय में करते हैं या आपके संबंधी करते हैं किंतु आपको लाभ नहीं होगा। आप जायदाद संबंधी मुकदमा भी लड़ेंगे और उसमें विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप राज्य सेवा में हैं तो फिर आपको सज्जनता व शालीनता के दंड स्वरूप अनेक बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। आपके मृदु व्यवहार, गुण धर्म व आचार विचार से आपके शत्रु कम होते चले जाएंगे। आपको अजात शत्रु की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको किसी महिला से भी सहयोग प्राप्त होगा। आप दृढ़ संकल्पवान होंगे, अतः आदर्श व यथार्थ को आप त्याग नहीं सकते। आप एक समय में एक ही काम किया करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे।
यदि आप अन्यों मित्रों की सलाह न मानकर स्वयं के ही निर्णयों को क्रियान्वित करें तो ज़्यादा उन्नति कर सकेंगे। दोस्तों, आप शीघ्र हतोत्साहित हो जाते हैं, यह अवगुण को आप शीघ्र त्याग दें। आप अच्छे विश्वास पात्र हैं, अतः सदैव अपने मित्रों के शुभेच्छु रहेंगे, किंतु मित्रों से आपको बिल्कुल ही लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप कानून, संगीत, साहित्य, नाटक, फिल्म अभिनेता, वैज्ञानिक आविष्कारक, इंजीनियर बन सकते हैं। आप में आत्मविश्वास असीमित है, अतः आप अपने चरित्र कार्यों व सिद्धांतों से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। दोस्तों, संकट की घड़ियों में भी आप अडिग हिमालय सदृश साहस व धैर्य से परिस्थितियों से लोहा लेंगे। आपको नौकरी से ज़्यादा स्वयं के व्यवसाय व्यापार में से ही लाभ प्राप्त होगा। आयात निर्यात के व्यापार से आपको विशेष लाभ होने का योग है। आपको जीवन में दो बार परिवर्तन करना होगा। 21 से 26 वर्ष की आयु के मध्य आप पर्याप्त सफलताएं प्राप्त करेंगे एवं उन्नतिशील हो जाएंगे। आपकी कई योजनाएं उच्च स्तर की होगी, किंतु अर्थाभाववश आप उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किंतु 32वें वर्ष के बाद शरीर रोगी हो जाएगा। बचपन में एक बार आप रोग से मरते मरते बचे होंगे। जीवन के 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 28, 40, 42, 48, 44, 48, 51, 57, 58, 59, 60 वर्ष जो होगा आपके लिए काफ़ी कष्टदायक एवं रोगप्रद होगा। इनमें से 54, 57, 67 वर्ष जो है मार्केस का है। दोस्तों आपको नेत्र रोग, अनिद्रा, वात रोग, रक्त विकार, चर्म रोग, गुप्तांगों के रोग, संक्रामक रोग, उदर व्याधि, गठिया, लकवा व सर्दी के रोग भी होने का योग बन रहा है। अतः मिर्च, मिठाई, खटाई, बेसन व नशीली वस्तुओं से आपको दूर रहना परम आवश्यक है। उक्त कष्ट के वर्षों में आपके पिता की भी भाग्य हानि होगी। 40वें वर्ष में एक विश्वासी मित्र धोखा देगा। आपके भाइयों की अपेक्षा बहनें ज़्यादा होंगी। आप विदेश यात्राएं भी करेंगे। कुटुंब में घटनाएं ज़्यादा घटित होगी जो जीवन को झकझोर देगी। संभवतः आपका विवाह जवान होते ही हो जाएगा। पत्नी भी अच्छी, सुंदर व गुणवंती रहेगी, किंतु आपके द्विविवाह योग है। आप अपनी पत्नी से कष्ट पाएंगे और कठिनाई में फंस जाएंगे, किंतु आपकी दूसरी पत्नी या प्रेमिका आपको सहयोग देकर ऊंचा उठाएगी और जीवन को सुखद बनाएगी। आपकी संतानें भी ज़्यादा होंगी तथा पुत्रों की तुलना में कन्याएं ज़्यादा होंगी, अतः पारिवारिक जीवन सुखद होने के साथ साथ संघर्षमय भी रहेगा। दोस्तों, परिवार में आप बंधन युक्त रहेंगे। अतिथि सत्कार भी आप खूब करेंगे। आपका भाग्योदय 18वें वर्ष से प्रारंभ होगा। जीवन का 21, 25, 27 व 30वां वर्ष भी आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा, अर्थात इस वर्ष भी आपका भाग्य अच्छा चमकेगा। जीवन में 30 से 40 तथा 55 से 59 वर्ष की आयु के मध्य पर्याप्त उन्नति व अर्थ लाभ प्राप्त करेंगे। संभवतः 30वें वर्ष में आपको कहीं सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त होगा। जीवन के 14, 16, 24, 37, 39, 42, 45, 47 व 53वें वर्ष आर्थिक कष्ट होगा। दोस्तों, 42वें वर्ष में दुर्घटना ग्रसित होंगे। आपको चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ व फाल्गुन मास जो है भाग्यवर्धक प्रतिवर्ष रहेंगे। श्रावण व भाद्रपद मास में स्वास्थ्य के प्रति भी आप बिल्कुल सतर्क रहा करें। दोस्तों, पुखराज रत्न आपका भाग्यवर्धक है। नीलम व पन्ना रत्न भी आपको लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं, किंतु इनको पहले नीले व हरे कपड़े में भुजा पर बांधकर पूर्व परीक्षण कर लें। पीला, नीला, बैगन व सफ़ेद रंग आपको शुभ रहेगा, अतः इन्हीं रंगों के वस्त्र, रुमाल, कलम आदि धारण करें।
दोस्तों गुरुवार व शुक्रवार के दिन शुभ रहेंगे, शनिवार कष्टप्रद रहेगा। कर्क वृश्चिक व धनु अयन में जन्मे नर नारियों से आपकी मैत्री रहेगी, दोस्ती रहेगी। दोस्तों सिंह व तुला अयन में जन्मे नर नारी आपके विरोधी रहेंगे। इन्हें सन 2001, 2005, 2010, 2014, 2019, 2023 भी भाग्य वृद्धि करेगा। इस अयन में उत्पन्न महिलाएं स्नेह व सौंदर्य से पूर्ण होगी। ये धीर गंभीर धार्मिक साहित्य संगीत में प्रवीण व सृजनात्मक प्रवृत्ति वाली होगी। इनका स्वभाव शर्मिला होगा। गृह कार्य में ये पूर्ण रूपेण दक्ष होगी। इनके घर की साज सज्जा विशेष रुचिपूर्ण होगी। ये बहु प्रतिभा भावना होगी, अतः कोई एक विषय चुनने में इन्हें कठिनाई होगी। ये प्रेम प्रसंगों में धोखा खाएगी। दोस्तों इनकी सहेलियां ज़्यादा होगी। इनके जीवन का 27वां वर्ष विशेष महत्वपूर्ण होगा। इनका जीवन 43वें वर्ष तक संघर्षमय रहेगा, किंतु 44 से 53 वर्ष की आयु में इन्हें समस्त प्रकार की सुख सुविधा व समृद्धि प्राप्त होगी। ये अपनी दयालुता एवं दानशीलता के कारण वृद्धावस्था में पूज्य एवं सम्माननीय होगी। इनका विवाह यदि सितंबर मास में जन्मे व्यक्ति से हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। इन्हें गर्भाशय संबंधी हृदय रोग, रक्तचाप तथा नेत्रों के रोग भी होंगे। इन्हें लाल, बैंगनी, पीला रंग शुभ रहेगा। गुरुवार व शुक्रवार दिन भी इनके शुभ रहेंगे। इन्हें पुखराज व माणिक्य रत्न धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। इन महिलाओं को भाग्य वृद्धि हेतु ओम ऐं श्रीं क्लीं ओम मंत्र तथा ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र शुभ रहेगा। इस अयन के पुरुषों को संकट से बचने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए तथा ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः मंत्र के 7000 जप करने चाहिए। रोग नष्ट करने हेतु प्रातः उठते ही नित्य 15-20 मिनट तक ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र गीत के रूप में गाना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र समस्त रोग नष्ट करता है। इस मंत्र को प्रत्येक लग्न राशि व अयन वाले भी रोग समरणार्थक जप करते हैं। यदि इस मंत्र को आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्यास्त तक जप लिया जाए तो यह सिद्ध हो जाता है। और उस व्यक्ति को मरने के पूर्व उसकी मृत्यु किस दिन होगी उसका भी आभास हो जाता है। भाग्य वृद्धि हेतु त्रिधातु की अंगूठी रवि पुष्य बनाकर पंचामृत से धोकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करने से भाग्य वृद्धि होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों कमेंट में लिखें जय शंभू नारायण।